प्रभु हम लोग जैसे संध्या में थोड़ा चा पान का लाभ उठाते हैं, भगवान भी ऐसे ही उनका भी सो शरीर वहाँ पे विराजमान है। 7 से 8 PM के समय में इवनिंग में प्रभु को संध्या धूप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? संध्या धूप। प्रभु को संध्या धूप दिया जाता है और प्रभु की ये जो है संध्या समय में आफ्टर सनसेट प्रभु को दिया जाता है। ये संध्या आरती होता है, ये संध्या धूप का भोग प्रभु को आरती के पश्चात में दिया जाता है। और ये जो धूप को हम लोग संध्या में जो आरती होता है, ये आरती को जो संध्या धूप बोलते हैं या संध्या आरती बोलते हैं, ये आरती बोलते हैं, इसको हम लोग संध्या में आप लोग कहते लोग को पता भी नहीं होगा, इसको मंगल आरती बोलता है। मंगल आरती घर घर में इसको मंगल आरती के समय निर्घंट किया गया है, इसको मंगल आरती करते हैं। और ये मंगल आरती के समय में भक्त ने इंतजार करता है प्रभु को संध्या में पूजा करने का। और वो संध्या के समय में भगवान को, स्वयं जगन्नाथ को, भाई बलभद्र को, बहन सुभद्रा को और चतुर्धा मूर्ति सुदर्शन जी को और अन्य देव देवताओं को जो पूजा अर्पित होता है, वो भी व्यंजन में मैं आपको नहीं बताऊंगा तो मुझे भी ठीक नहीं लगेगा। आइए चिपुड़ा पोखा दिया जाता है, आइए मैं बताता हूँ। चिपुड़ा पोखा प्रभु को यहीं पे ये 14 अवली दिया जाता है। प्रभु को मेरे संध्या में सानो अवली पोखा ये 2 अवली दिया जाता है। आई प्रभु को जब कानरा पुली बहुत पसंद है, संध्या को कानरा पुली प्रभु की बहुत पसंदीदा है, इसी से प्रभु को मात्र 3 अवली दिया जाता है। और प्रभु को कानरा मूल आपको इसी में 83 दिया जाता है। आइए प्रभु को जो पानी पखाल, ये पानी पखाल जो दिया जाता है प्रभु को, आइए प्रभु को जो पानी पखाल दिया जाता है, ये 23 अवली दिया जाता है। ओहो प्रभु कितनी संतुष्टि होते हैं पानी पखाल में आप। और ये जो साकर है, आइए सकरा जो है, ये सकरा जो है ये 5 अवली दिया जाता है, 5 अवली दिया जाता है। आइए प्रभु को संध्या में जो दिया जाता है, ये मथापुली जो दिया जाता है ये 22 को दिया जाता है। आइए और अंत में जो दिया जाता है आपकी बड़ा अमूल दिया जाता है, बड़ा अमूल ये प्रभु के लिए लागी होता है। तो प्रभु को संध्या में रीति रिवाज के साथ ये भोग दिया जाता है, पूजा अर्चना में आरती होता है, शंख ध्वनि में गुजरित होता है, घंट शब्द में प्रकटित होता है, पूरी श्री क्षेत्र समुद्र से स्वर्ग द्वार से लेकर श्री क्षेत्र तक संध्या का आरती का सुगंध में भरपूर हो जाता है। आइए अब ये सानिध्य के समय भगवान के पास उठाएंगे और ये सब भगवान का प्रसाद को इंतजार करेंगे। चलो मिलके श्री क्षेत्र चलते हैं, एक धाम से 4 धाम से 1 धाम का दर्शन होगा, प्रभु का साथ खाने का सौभाग्य मिलेगा, जहाँ 36 कोटि देव देवता 6 बार आके भगवान का सम्मुख में विनती करके पूजा करके उनका प्रसाद के लिए इंतजार करते हैं। हम मानव होके चलो वही रास्ता में निकल पड़े और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। ये है आपकी